बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद बिहार में जहरीली शराब धरल्ले से सप्लाई हो रहा है और ऐसे में लोगों की मौतें हो रही है। ताजा मामला फिर से एक बार सामने निकल के आया बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर 5 परिवार उजर गया है। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि 5 लोग जो है वो सीधे सीधे ऊपर चले गए हैं, ऐसे में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। खबर बता दे आपको कि बिहार के सीतामढ़ी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जिस तरीके से छठ पूजा मनाया जा रहा था, इस बीच 5 परिवार का कहीं ना कहीं चिराग उजर गया, ऐसे में जहरीली शराब पीने से कहीं ना कहीं तमाम लोगों का परिवार उजरा। बता दें आपको कि शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने 5 परिवारों को उजार दिया है। सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत ने प्रदेश की राजनीति पारों को चढ़ा दिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सिर्फ एक व्यक्ति के जहरीले शराब पीने से मौत की पुष्टि की है, जिस पर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने इस पूरी घटनाक्रम पर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। विजय सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्ट प्रशासन के कारण बिहार में शराब बिक रहा है और सत्ता में बैठे लोगों के घर शराब का पैसा पहुंच रहा है। ऐसे में जो सत्ताधारी लोग हैं वो पैसा जहरीली शराब बेचवा कर अपने घर में पहुंचवा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के अहंकार के कारण बिहार की सैकड़ों मां बहन विधवा हो चुकी है। शराबबंदी के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखा जाए तो बिहार को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है, बिहार में पूरी तरह जंगल राज है। उन्होंने कहा है कि बिहार का हाल बेहाल है और देखा जाए तो आज ही लखीसराय में 6 लोगों की मौतें हुई है, तो वहीं गोली मार कर कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई है 6 लोगों की। मुख्यमंत्री जी की हालत खुद खराब है, उन्हें मानसिक चिकित्सा की जो है आवश्यकता है, अब उन्हें आराम की जरूरत है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई पुलिस वालों को निष्कासित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जो है महुआइन में 16 नवंबर की शाम सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और गांव वालों के अनुसार उनकी मौत भी हो गई। देखा जाए तो सभी मृतक जो है बाजपट्टी थाना के नरहर नरहा कला गांव और देखा जाए तो सोलमन टोल के रहने वाले थे। वहीं मृतकों में से 2 लोगों के शव का जो है परिजनों ने पुलिस जांच से पहले ही दाह संस्कार कर दिया था, जबकि 1 शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद एक की पोस्टमार्टम हुई, जिसके बाद पुष्टि हुआ कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। उधर गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की बातें सामने निकल के आ रही है। इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने एक वीडियो जारी करते हुए दी है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि बैकुंठपुर क्षेत्र में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लीपा पोती कर रही है और कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जिन 5 लोगों की मौत की बातें सामने निकल के आ रही है, कही जा रही है, उनकी मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि अलग अलग बीमारियों से हुई है। तो फिलहाल जहरीली शराब पीने से बिहार में मौत हुई है, सीतामढ़ी में 5 लोगों की मौत हुई है और गोपालगंज में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा कि गोपालगंज में भी 5 मौतें हुई है। गोपालगंज का मामला छुपाया जा रहा है और देखा जाए तो जो सामने सीतामढ़ी का मामला जो है वो निकल के आया है। ऐसे में बाजपट्टी क्षेत्र में ऐसा मामला निकल के आया है जहां पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे थे और नीतीश सरकार पर नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार को आराम करने की बातें कर थे और शराबबंदी को विफल और फेल बता रहे थे। बड़े बड़े नेताओं के घर पैसा पहुंचाने की बातें बता रहे थे, कह रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं के घर जो है पैसा जहरीली शराब बेचकर जो माफिया है वो पहुंचाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून कैसे बिहार में सफल बनता है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद।